मंडलायुक्त अंजनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में तृतीय मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयुक्त सभागार मुरादाबाद में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद मंडल, अपर आयुक्त प्रशासन, अपर जिलाधिकारी नगर, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं प्रवर्तन, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर नगर आयुक्त, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, अधीक्षण अभियंता PWD, NHAI के अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर निदेशक स्वास्थ्य, समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा इंश्योरेंस कंपनी एवं मोटर ऑपरेटर्स उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष आयुक्त द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा की गई। दुर्घटनाओं की संख्या एवं दुर्घटना के फलस्वरूप मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने NHAI तथा PWD के अधिकारियों को रंबल स्ट्रिप, रोड मार्किंग, साइनेस, कॉशनरी बोर्ड से संबंधित अल्पकालिक सुधार पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दीर्घकालिक कार्यवाही के अंतर्गत टेक्निकल टीम द्वारा सर्वे कराकर अतिशीघ्र आकलन तैयार कर बजट स्वीकृत कराकर कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने रामपुर दोराहा 0 पॉइंट मुंडा पांडे पर बाई साइड शहर मुरादाबाद में जाने वाली सड़क पर स्पीड लिमिट का बोर्ड एवं संकेतांक लगाए जाने का निर्देश दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने दिल्ली की तरफ से आने वाली NHAI रोड पर शहर मुरादाबाद की बाई तरफ घूमने वाली प्रत्येक लिंक मार्क पर इंडिकेटर साइनेज लगाए जाने का सुझाव दिया। अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि वे सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का बोर्ड डिस्प्ले करें। नेक आदमी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित कर संबंधित थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज द्वारा व्यक्ति डिटेल के साथ जिला अप्रेजल कमेटी से अनुमोदन कराकर इनके पुरस्कार राशि को दिए जाने हेतु बजट का प्रस्ताव परिवहन विभाग द्वारा भेजा जाए। संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि समस्त विद्यालयों में विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की नियमित बैठक आहूत कराई जाए। आयुक्त ने जनपद मुरादाबाद में अवैध संचालित ई रिक्शा को वैध प्रपत्रों में परिवर्तित कराने पर अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात एवं RTO प्रवर्तन की प्रशंसा की। जनपद बिजनौर में भी अवैध ई रिक्शा को वैध ई रिक्शा में कन्वर्ट कराने का अभियान चलाया जा चुका है। आयुक्त महोदय ने ARTO बिजनौर को निर्देशित किया कि अपने जिले के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क स्थापित कर वहां भी अवैध ई रिक्शा के संचरण पर प्रतिबंध लगाएं। आयुक्त ने कांट रोड के अतिक्रमण को हटाने एवं रोड पर सफेद पट्टी करने, पार्किंग स्थल बनाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समस्त ARTO अपने अपने जिले के पुलिस अधीक्षक से संपर्क स्थापित कर अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटना, हिट एंड रन के प्रकरणों का डिटेल प्राप्त कर जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारियों से जांच कराकर उन्हें दुर्घटना राहत कोष के तहत दिए जाने वाली धनराशि उनके आश्रितों को प्रदान कराएं। सार्वजनिक सेवा यानों से हुई दुर्घटनाओं के लंबित प्रकरणों की जांच उप जिलाधिकारियों के माध्यम से तत्काल कराई जाए, इसमें विलंब कदापि न हो। समिति के अध्यक्ष द्वारा ये निर्देश दिया गया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सर्दी के मौसम में कोहरे के दृष्टिगत वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टैप चस्पा कराया जाना निरंतर जारी रहे।